हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है द स्पीसीज जो आपको दे रखी है इज़ लेस स्टेबल देन। देखो, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आपको पता है कार्बोकेटायंस में जो भी हमारे पास कार्बोकेटायंस होते हैं, उनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सबसे अच्छा माना जाता है 3 डिग्री, फिर माना जाता है 2 डिग्री, फिर माना जाता है 1 डिग्री। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये तो कार्बोकेटायन हमको 2 डिग्री दे रखा है, यानी यहाँ वाला दे रखा है, तो उससे अच्छा चाहिए, यानी हमको एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन चाहिए। और आपका ऑप्शन ए में यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, हमको एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना हुआ है, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है? तो ये है, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।